नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। दिल्ली में पारा लुढ़क कर 2 डिग्री तक पहुंचा। पहाड़ों पर छठे दिन भी बर्फबारी। कोहरे की वजह से 60 ट्रेनें रद्द, 26 लेट। हवाई उड़ानों पर भी असर। तिरंगे के अपमान को लेकर सुषमा स्वराज की चेतावनी के बाद अमेजन ने तिरंगा झंडे वाले डोरमेट प्रोडक्ट को लिया वापस, लेकिन नहीं मांगी माफी। सुषमा ने कंपनी के अधिकारियों को वीजा न देने की दी थी धमकी। बीएसएफ जवान के बाद अब सीआरपीएफ जवान का वीडियो आया सामने। प्रधानमंत्री को खत लिखकर बयां किया दर्द। लिखा, सेना की तरह सीआरपीएफ को क्यों नहीं मिलती सुविधाएं। समाजवादी पार्टी में सुलह पर सस्पेंस बरकरार। सिंबल साइकिल पर कल फैसला दे सकता है चुनाव आयोग। मुलायम, शिवपाल और रामगोपाल ने दिल्ली में जमाया डेरा। पंजाब और गोवा चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। पंजाब के लिए 17 और गोवा के लिए 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर लगी थी मुहर। और छत्तीसगढ़ के भिलाई में योग में बने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड। रामदेव ने 1 लाख लोगों के साथ किया योग और सूर्य नमस्कार। सीएम रमन सिंह भी मंच पर रहे मौजूद। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।